सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आरएस प्ले सुपर के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग वन पीस के टॉप 10 वाले वीडियो में। आज का टॉपिक आपने टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर इन्फो दे देता हूं। बट बिफोर दैट, अनमोल भैया तुम कभी इंट्रो सही से लगाते नहीं हो, तो अरजान भाई तुम ही इंट्रो लगा दो। So, आज की इस वीडियो से मेरा यही कहना है कि वन पीस की वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड है, जहाँ पे हमारी वर्ल्ड की चीजें भी हैं और ओडा की खुद की माइंडसेट वाली चीजें भी होती हैं, जैसे कि जायंट्स हो गए या फिर ये वाले जीव हो गए जो इतने स्मॉल है कि वो उसोप के हाथ तक आ जाते हैं। ऐसी और भी अनगिनत चीजें हैं जो वन पीस के वर्ल्ड में ही सिर्फ एग्जिस्ट करती है, एंड उन्हीं के ऊपर बहुत सारे डेविल फ्रूट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे बहुत सारे डेविल फ्रूट हैं जो वन पीस पे एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन उनका डेब्यूट होना अभी भी बाकी है। तो आज की वीडियो की टॉपिक यही होगी कि टॉप 10 ऐसे फ्रूट जो वन पीस के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं बट अभी तक उनका डेब्यूट नहीं हुआ है। सो विद दैट बीइंग सेड, चलिए चलते हैं नंबर 10 पर। नंबर 10, उमा उमा नोमी मॉडल यूनिकॉर्न। जी हाँ, अगर आप नहीं समझे तो मेरा कहने का मतलब है हॉर्स हॉर्स मॉडल यूनिकॉर्न। ये एक मिथिकल जुआन फ्रूट होगा जो अपने यूजर को तीन फॉर्म में जाने को देगा। एक नॉर्मल स्टेट पे, जहाँ पे यूजर बहुत ज्यादा फास्ट होगा एंड उसकी अटैक नॉर्मल फॉर्म से बहुत थोड़ी सी ज्यादा होगी, ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी। एंड उसके अलावा उसके हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन में यूजर दो पैर में चलेगा, उसके सर पर एक सिंग होगी, दी यूनिकॉर्न फीचर ऑफ कोर्स, एंड वो बहुत तेज होगा। उसके अलावा उसकी अटैक एंड डिफेंस भी बहुत मैच्योरली बढ़ेगी। फुल फॉर्म, यहाँ पे यूजर पूरी तरह से एक यूनिकॉर्न बन जाएगा एंड अपने बार्बी ड्रीम्स वाले लड़कियों का सपना पूरा करेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 9 पर। पूरा शिक्षकों पूरा सिकुचुकु नोमी, यानी प्लास्टिक प्लास्टिक मॉडल फ्रूट। अब देखिए, ये एक पैरामेशिया टाइप फ्रूट होगा, जहाँ पे हमारा यूजर अपने बॉडी से कंट्रोल और क्रिएट कर पाएगा प्लास्टिक को। एंड प्लास्टिक की यूजेस कितनी खतरनाक होती है वो हमें डे टू डे लाइफ में पता चल ही जाता है। और अगर तब भी आपको जानना है तो आप हमारी धरती माता से पूछो कि धरती माता आपने कितनी प्लास्टिक अभी तक जमा की है, तो वो कहेगी बहुत ज्यादा, एंड उससे हमारे अर्थ को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो गाइज, मैं तो आपको यही कहूंगा कि आपको हमेशा रिसाइकल, रीयूज, एंड एक और आर था जिसको मैं भूल गया, आई एम ए बैड सिटीजन ऑफ इंडिया बट यू आर नॉट। तो आपको हमेशा मैच्योर बन के रहना है। बात करूं इसके डेविल फ्रूट की, तो जहां तक मुझे लगता है इसका यूजर इसको बहुत ही स्मार्ट वे में यूज करेगा, ना कि बहुत ही स्ट्रेंथ टाइप की जगह पर। और हाँ इसकी अवेकनिंग कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये अपने सराउंडिंग को प्लास्टिक बना दे, एंड इससे ज्यादा क्या फायदा होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम प्लास्टिक को किसी तरह से गर्म कर दे तो वो बहुत ही खतरनाक केमिकल रिलीज करती है, जो आपके लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। इसके अलावा इस फ्रूट का और क्या यूज हो सकता है वो हमें नहीं पता, लेकिन वन पीस के वर्ल्ड में हमें इतना जरूर पता है कि प्लास्टिक जरूर यूज में आती है, वरना कुछ चीजों का होना सेंस नहीं बनाती। जैसे नामी जो कपड़े खरीदते हैं वो उस बैग को प्लास्टिक बैग में लाती है, वो बात अलग है कि वो टन्स ऑफ शॉपिंग करती लेकिन पहनती बस बड़ा है। वो बात अलग है कि मैं मना नहीं कर रहा, पहनो यार, लेकिन फिर शॉपिंग किस बात की। खैर, अब बढ़ते हैं नंबर 8 पर। कानी कानी नोमी, यानी एक ऐसा डेविल फ्रूट जो आपको क्रैब में तकदीर होने का चांस देता है। ये फ्रूट आपको एबिलिटी देगा कि आप जब पानी में जाओगे तो आप मरोगे नहीं, बस बच जाओगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप स्विम नहीं कर पाओगे, आप डूबते चले जाओगे लेकिन आप मरोगे नहीं। यही इस फ्रूट का सबसे बड़ा एबिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम 3D ट्रांसफॉर्मेशन। अपने बेस मॉडल में ये फ्रूट आपको बहुत तगड़ा डिफेंस देगा, क्योंकि इस फ्रूट का मॉडल है क्रैब से, एंड क्रैब जाने जाते हैं अपने डिफेंस एंड अपने ऑफेंस से, तो आपकी अटैकिंग स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। एंड अगर आप कॉन्करर हाकी कोटिंग करते हो देन उम्मीद बहुत सही हो जाएगी। उसके बाद आता है फुल फॉर्म, जहाँ पे आप पूरी तरह से क्रैब बन जाओगे जो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन आप बहुत क्यूट भी बन जाओगे। आपकी अटैकिंग एंड डिफेंस स्ट्रेंथ तो अलग ही लेवल पे होगी, उसके ऊपर आप बीच में से चल भी सकोगे, बीच का आनंद ले सकोगे। उसके अलावा अगेन, अगर आप पानी में डूब गए तो आप मरोगे नहीं, बच जाओगे, लेकिन आप स्विम नहीं कर पाओगे, और आपको बहुत सारी पंछियां जैसे मार्को आके आपको काटेगा भी, क्योंकि अगेन क्रैब्स को ज्यादातर हंट फिश करते हैं या फिर हितो नोमी मॉडल के ह्यूमंस करते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, वो ये है इसका हाइब्रिड पॉइंट। इस पर आपको द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड मिलेगा, आपको पंजे मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे पैर मिल जाएंगे,
मिलेंगे, अच्छी सी डिफेंस मिलेगी, तगड़ी सी अटैक स्पीड और रिस्पॉन्सिव न्यूरॉन सिस्टम भी आपको मिलेगा। इसके अलावा इस फ्रूट को लेके एक थ्योरी है मेरे पास जो कि रिलेटेड है कोबी से, तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए देन जस्ट कमेंट आउट #KaniDiKobi, यस KaniDiKobi, आप वो कमेंट कर दो। अगर 10 बड़ा कमेंट मिल गए देन आई विल बी श्योर टू मेक दैट ऑन रिकॉर्ड। विद दैट बीइंग सेड चलो अब जाते हैं नंबर 7 पर। होने होने नोमी यानी बोन बोन नोमी, ये एक ऐसा फ्रूट है जो आपको पैरामेशिया की एबिलिटी देता है एंड आप अपने अंदर से बोन निकाल सकते हो या फिर किसी दूसरे के हाथ से बोन निकाल सकते हो इफ यू आर अवेकेंड, या फिर अपने आसपास की जगह को बोन बना सकते हो। अब आप बोलोगे ये तो नॉर्मल पैरामेशिया है बट इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, तो देखिए गाइस इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक बोन कोई छोटी मोटी सी चीज नहीं, ये बनती है प्योर कैल्शियम से एंड इसके अंदर होता है बोन मैरो जिसके अंदर से निकलती है ब्लड सेल। अगर उसका यूजर थोड़ा नहीं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा तो वो अपने बोन के अंदर से ब्लड ही नहीं बल्कि और भी बहुत शायद रसायन निकाल सकता है। उसके अलावा अगर वो अपने आप को बोन से शील्ड करता है तो उसकी डिफेंस एंड इवन उसकी अटैकिंग स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी अगर हम इन सब चीजों को कंसीडर करें। एंड अगर ये बोन हमें कभी डेब्यूट होते जरूर दिखे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। जस्ट इमेजिन अगर वो बंदा एडवांस कॉन्करर हॉकी यूजर हो एंड वो अपने बोन्स के अंदर उसको कॉन्सेंट्रेट कर सके। एंड इसके अलावा अगर ये फ्रूट अवेकन हो गया तो या तो दो चीज होंगी, या तो वो अपने सराउंडिंग को बोन बनाएगा या फिर वो के अंदर से बोन निकाल देगा, ठीक वैसे जैसे किड की फ्रूट अवेकन हुई थी, वो बिग मॉम को एक टाइप से कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसके अंदर ब्लड थी जो एक टाइप से ब्लड में आयरन थोड़ी बहुत होती है। सो विद दैट बीइंग सेड मैं समझता हूँ कि आप यहाँ तक आ चुके होंगे, सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 6 पेपर एंड इंक। जी हाँ यानी कामी और चूषा। जी हाँ कामी और चूषा, जी मैं बात कर रहा हूँ पेपर और इंक की जिसको मैं एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ये दो अलग अलग फ्रूट है बट मैंने सोचा इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। ये दोनों होंगे पैरामेशिया टाइप जो अपने यूजर को पेपर को कंट्रोल क्रिएट करने की ताकत देंगे तो दूसरी तरफ इंक को क्रिएट और कंट्रोल की ताकत देंगे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो इनकी दोनों की अवेकनिंग एक दूसरे के एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। ये दोनों एक लोते के अलावा दुर्वा है एंड एक दूसरे से दूर है, लेकिन अगर आप इन दोनों को एक एक ड्यूएल में रखो तो शायद ये लोग बहुत सही से वर्कआउट कर जाए। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने ये जो पिछली दो रैंकिंग रखी है दैट इज अभी की एंड इससे पहले की, तो ये एक टाइप से नारुतो रेफरेंस भी है एंड हमने नारुतो पे भी देखा है कि इन तीनों चीजों का इस्तेमाल कितने सुंदर तरीके से किया गया है। बात करूं कोनन की तो वो मेरी फेवरेट वाइफो में तो बिल्कुल आती है एंड ताहिर तो उन पे रोज। खैर ये तो बात हुई पेपर एंड इंक की, इसके ऊपर अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो हमने इसकी फुल पोटेंशियल को नारुतो पे तो देखी है बट वन पीस के में ये और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। जस्ट इमेजिन तुम काइडो से लड़ रहे हो एंड वो तुम्हें हल्के में लेता है, वेल गेस व्हाट, तुम उसके मुंह पे पेपर मारोगे एंड उसके आंखों में इंक फेंक दोगे, डैम वो बंद अंधा हो जाएगा, फिर उसको खोप दोगे मार दोगे, बस यहाँ पे बात खत्म। खैर गाइस इसे तुम जोक्स की तरह लेना, सीरियसली मत लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नंबर 5 जो आपको सुनकर बहुत ज्यादा स्टूपिड लगेगी लेकिन अगर ये फ्रूट सच में एग्जिस्ट करता है तो ये शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिथिकल जवान होगा इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। जी हाँ मैं बात कर हूँ अनएक्सपेक्टेडली गोकी बुरी नोमी यानी कॉकरोच फ्रूट। अब देखो मुझे मेरे इस वीडियो पे डिसलाइक मरने से पहले एंड एमआरजे स्टूपिड कमेंट करने से पहले सुन लो मैं गाइस मेरी बात। बात ऐसी है कि कॉकरोच एक लौता चीज है जो एक न्यूक्लियर वेपन को सरवाइव कर सकता है। जी हाँ एंड इट इज प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप गूगल पे जा सकते हो। ये एक नॉर्मल जवान रहेगा जो एक्चुअली एक इंसेक्ट जवान रहेगा एंड अगर आप सोच रहे हो कि इंसेक्ट जोआन नहीं हो सकते देन गाइज आप गिफ्टर्स को देखो जिनके अंदर बहुत सारे ऐसे जोआंस हैं जो एक्चुअली एक इंसेक्ट है एंड हमें पता है कि गिफ्टर्स को मिलती है उनकी पावर्स फ्रॉम द स्माइल डेविल फ्रूट एंड स्माइल डेविल फ्रूट को ऑल्टर करने के लिए आपको एक रियल डेविल फ्रूट या फिर एक डीएनए की स्पीसीज चाहिए रहती है जिससे आप उसको ऑल्टर कर सकते हो। खैर स्माइल फ्रूट अपने आप में अलग टॉपिक है, उसको बाद में लेंगे, अभी के लिए बात करते हैं इसके 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यानी आप नॉर्मल पॉइंट पर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग रहेंगी, आपकी सुगंध बहुत अच्छी रहेगी, आप दूर दूर की चीजों को सूंघ सकोगे। हाइब्रिड पॉइंट पे आप उड़ सकोगे, आपके पास 2-3-4 और लेग्स आ जाएंगे, आपकी विजन बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आपकी डिफेंस तो बहुत स्ट्रांग रहेगी बट आई डाउट योर अटैक विल बी समथिंग दैट ऑफ नेग्लिजिबल थिंग्स। बट आई थिंक अगर आप हॉकी को मास्टर करते हो तो ये फ्रूट बहुत ज्यादा गुड हो ही जाएगा क्योंकि अगर आप एक न्यूक्लियर एक्सप्लोशन को सर्वाइव कर सकते हो तो फिर आप काइडो की ओरो ब्रेथ को भी आप एक टाइप से बहुत सही से
सर्वाइव भी कर सकते हो टू बी ऑनेस्ट। एंड अगर बात करूं इसकी फुल फॉर्म की, तो आप बस एक कॉकरोच हो और कुछ नहीं। जी हाँ, मैं तुम्हें कुछ लूंगा आके। तुम ही हो ना वो कॉकरोच वाले जिसने अभी तक लाइक नहीं किया। अगर तुम कॉकरोच नहीं बनना चाहोगे तो अभी आने वाले 5 सेकंड में वीडियो को लाइक करो। किया कि नहीं किया? तो देखा मैंने तुम में से बहुत लोग कॉकरोच नहीं है। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 4 पर, जो कि होगी कुकी कुकी नोमी। एंड कुकी कुकी का मतलब होता है एयर एयर फ्रूट। ये एक लोजिया टाइप फ्रूट रहेगा जो आपको एयर कंट्रोल करने में सुविधा देगा। यानी अगर हम कुकी कुकी नोमी यूजर के सामने क्लाउन सीजर एंड स्मोकर को रख दे, तो कुकी कुकी नोमी वाला यूजर इन दोनों को बहुत आराम से हरा देगा, क्योंकि उसके पास कंट्रोल रहेगी पूरी एयर की। जी हाँ, ये इवन एक सुपीरियर फ्रूट होगा टू द गासु गासु नोमी एंड मोकुनोमी। एंड इवन ये फ्रूट आज के इस लिस्ट का दूसरा फ्रूट है जो इस लिस्ट में आया है। एंड इसका फर्स्ट फॉर्म कौन होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फॉर्म है, उसके लिए तो तुम्हें वेट जरूर करना है। बात करूंगी इसकी एबिलिटीज की, तो ये लोजिया फ्रूट है एंड तुम लोजिया फ्रूट से जो एक्सपेक्ट करते हो वो करती है। बात करूं इसकी डिस्ट्रक्टिवनेस की, जो हम लोजिया से थोड़ी बहुत अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें वो बहुत कम है। बट ये तब भी अच्छे अच्छे यूजर को टक्कर देने में तो कहीं नहीं जाएगी। वैसे अगर आपको इंटरेस्ट है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लोजिया फ्रूट, तो आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल फेवरेट वीडियो है, वन ऑफ दी पर्सनल फेवरेट, क्योंकि इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग मेरी पहली स्क्रिप्टिंग थी जो मैंने आरएस प्ले सुपर से किया था। एंड माशा अल्लाह आपने इस वीडियो पे हमें बहुत बहुत प्यार दिया, उसके लिए जय श्री राम। एंड अब चलिए बढ़ते हैं टॉप 3 पर। हितो हितो नो जियोस, ये एक लेजेंडरी मिथिकल जोआन फ्रूट होगा एंड शायद ये वन ऑफ द गॉड फ्रूट भी होगा। इसकी एबिलिटीज इतनी स्ट्रांग है कि आप लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हो, शायद आप बहुत सारे अदर गॉड्स को भी कमांड कर सकते हो एंड आप क्लाउड में रह सकते हो। ये थोड़ी बहुत एनएल से सुनी सुनी हुई सी लग सकती है, बट आप ये भी देखो कि एनएल का फ्रूट का नाम हमें आज तक ओडा ने किसी भी SBS में रिवील नहीं किया है। सो क्या पता उसका फ्रूट मिथिकल जोआन हो, क्योंकि एट द एंड हमने देखा था कि एनएल एक बहुत अजीब से एक ट्रांसफॉर्मेशन लेता है लूफी के खिलाफ, जिसका अभी तक कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हमें मिला नहीं। बट तब भी हम ये सोच लेते हैं कि एनएल का फ्रूट लाइटनिंग फ्रूट है, ज्यूस मॉडल नहीं। एंड उसके साथ हम ये भी कंसिडर करते हैं कि इसका फ्रूट का कोई जो ओनर होगा वो एक बहुत ही स्ट्रांग ओनर होगा, क्योंकि हमने बहुत कम इंसानों के पास ही गॉड मॉडल फ्रूट देखे हैं एंड जिनके पास है वो बहुत एब्सोल्युटली स्ट्रांग है। तुम लूफी को ले लो हितो हितो नोमी मॉडल निका, या फिर तुम सेनगोकु दी बुद्धा को ले लो हितो हितो नोमी मॉडल डाइबोत्सु। दोनों के पास गॉड मॉडल फ्रूट है एंड दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा एनएल वाली बात रही, तो मेरा ये भी मानना है कि एनएल स्काइपी आर्क का विलेन था, जहाँ पे हमें इवेंचुअली द 4 गॉड्स के ऊपर मालूम भी पड़ा था। सो वी डोंट नो, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट वी नेवर नो अंटिल इट हैपेंस। अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 पर, दैट इज मिजू मिजू नोमी मॉडल ही है वो, यानी वाटर वाटर फ्रूट। देखिए, हमारे लॉस्ट जोरो ने इस पे डिटेल एक थ्योरी वीडियो लाई है। मैं यहाँ से एक्सप्लेन करने से तो आपको कहूंगा कि आप वो वाली देख लो। इसके अलावा मैं कहूँ तो ये लोजिया फ्रूट है, शायद ये आपको इवन पानी में भी सर्वाइव करने में हेल्प करे। यस, ये शायद एक लौती फ्रूट होगी जो आपको पानी में रहने में भी हेल्प करेगी। यानी आप पानी से तो नहीं मरोगे, जो कि फिश मॉडल क्रैब मॉडल वगैरह आपको मरने नहीं देते, लेकिन आप डूबोगे। बट इस वाले फ्रूट के साथ आप डूबोगे भी नहीं। उफ, कितनी सारी गलतियां होती हैं कभी कभार हमसे भी, लॉल। खैर, आप बढ़ते हैं नंबर 1 पर, बट उससे पहले एक ऑनरेबल मेंशन, वो रहेगा लायन लायन फ्रूट। जी हाँ, हमने रॉब लुची को देखा है, उसके पास है पैंथर या लियोपार्ड मॉडल, तो मेरा ये मानना है कि एक लायन मॉडल भी तो जरूर एग्जिस्ट करता होगा, बट वो कहाँ है वो हमें नहीं पता। With that being said, now let's move on to number 1, Hito Hito Nomi Model Ganesha. जी हाँ दोस्तों, मेरा ये मानना है कि Hito Hito Nomi Model Ganesha भी exist करता है। And इसके बहुत सारे reasons हैं। देखिए, Ganesha को हम the Lord of Knowledge and Wealth कहते हैं, the Lord of Wisdom भी कहते हैं। And अगर हम One Piece में देखें, तो ऐसा लगता है कि ये तीनों चीजें at the end बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं। वो कैसे? वो अपने आप में एक वीडियो है। But आज के लिए इतना। उससे पहले मैं इस मॉडल के ऊपर थोड़ा और जाऊं, मेरा तो मन है कि मैं इससे ज्यादा और एक्सप्लेन ना करूं, क्योंकि अभी तक वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बट अगर मैं बात करूं तो ये गॉड मॉडल फ्रूट होगा। आपकी हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मेशन में आप बहुत ही पावरफुल, एक छोटे से बच्चे जैसे जरूर दिखोगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा पावरफुल रहोगे। आपकी स्ट्रेंथ एंड डिफेंस तो अनलिमिटेड गॉड लेवल की शायद रहेगी, क्योंकि अगेन इट्स गणेशा एंड वी कांट अंडर एस्टिमेट हिम। विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक आपको आज की टॉप 10 वाली वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी एंड आई होप आप
आप हमारी बाकी वीडियो को भी देखेंगे। अगर आपको हमारी चैनल की वीडियोस पसंद आती है एंड जब हम अभी बहुत सारे नए कंटेंट भी डाल रहे हैं, वन पीस की वीडियोस तो आती रहती है, तो अपने एनिमे देखने वाले दोस्तों को, मांगा पढ़ने वाले दोस्तों को तो हमारा चैनल अभी आपको शेयर करना ही पड़ेगा। अभी आपके पास बहाना नहीं है कि यार ये तो वन पीस वाला है, मेरा दोस्त देखेगा नहीं। नहीं, अब आपका दोस्त देखेगा। अगर वो वन पीस नहीं देखता तो हमारे चैनल पे मार्वल के भी कंटेंट पुराने वाले हैं, उसे वो दिखा दो, क्या पता वो एक दिन वन पीस भी देख ले और एनिमे भी देख ले। With that being said, I am MRJ taking my leave. Bye-bye.